आज पूरा देश जहां शिवरात्रि के पर्व को बड़े हर्षोत्साह के साथ मना रहा है, ठीक उसी प्रकार पुंछ जिले का मेंढर सब डिविज़न जो कि सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर भी आज शिवरात्रि की धूम देखने को मिली। श्रद्धालु सुबह से मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में जो है वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने को आ रहे थे। और ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं मेंढर के शिव मंदिर की, जहां पर भोलेनाथ के भंडारे का आयोजन किया गया। और शिव मंदिर मेंढर के साथ साथ शिव मंदिर अड़ी में भी बड़े धूमधाम और बड़े उत्साह के साथ जो है वो शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। और शिव मंदिर अड़ी की अगर बात करें तो वहां पर पिछले 3 दिनों से लगातार कार्यक्रम जो है वो चल रहे थे, जिसमें रामायण जी का पाठ और कई अन्य जो है वो कार्यक्रम जैसे हल्दी रसम अन्य जो है ये सब करवाया गया। और शिव मंदिर मेंढर में एक लंबी परंपरा चलती आई है, क्योंकि ये स्थान जो है बाबा जटाधारी जी महाराज का स्थान है और यहाँ पर भी काफ़ी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और यहाँ पर विशेष तौर पर श्यामलाल दत्ता की अगुवाई में जो है यहाँ पर प्रसाद का आयोजन किया जाता है, जिसमें कांशी फल जिसे कहते हैं मीठा हलवा, खीर और भंग का प्रसाद जो है वो गोटा लगाकर वो चरणामत के तौर पर भक्तों को दिया जाता है। और भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो है वो आना रहता है। इसके साथ भजन कीर्तन कर भोलेनाथ के विवाह के गुणगान और गाथाएं जो है वो महिलाएं यहाँ पर गाती हैं। और ये तस्वीरें जो कि अपने आप में एक ये संदेश दे रही हैं कि देश भर के साथ हिंदुस्तान के आखिरी कोने मेंढर में भी बड़ी धूमधाम के साथ जो है वो शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। अब आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ के कमेटी के मेम्बरों का और अन्य लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद राही कपूर जी, आपका हर वक्त हर जगह में हमारे धार्मिक स्थान में आप जाते हो, हर आदमी से राय लेते हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं हमारे देवेंद्र कुमार टंडन जी जो सनातन सभा के चेयरमैन तहसील मेंढर के हैं। और आज शिवरात्रि का महात्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, इसी परम्परा तरीका के साथ जम्मू कश्मीर तहसील मेंढर में मनाया जा रहा है। यहाँ शिव मंदिर, बाबा जटाधारी जी का मंदिर, प्राचीन पुराना मंदिर जो है यहाँ मेंढर डराना चौक के अंदर है। और एक प्रोग्राम बहुत बड़ा हमारा जो है पोटा शिव मंदिर, पोटा शिव मंदिर के अंदर भी बहुत बड़ा प्रोग्राम जग का प्रोग्राम रखा गया है। हम बलादरी की ओर से हम जितने हमारे धर्म गुरु हैं, सनातन सभा के जो प्रधान हैं, उन सब की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार, ये अच्छे पैगाम लेकर जो बड़े त्यौहार होते हैं लाते हैं, जैसे बड़े त्यौहार हो गए कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, रामनामी हो गई, शिवरात्रि का त्यौहार जो है ये बड़े प्यार और हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हमारे महादेव जो है अपनी जो है जटंग को जो है दिखाएंगे। और ये जो बहार है, ये नई बहार का मौसम भी ला करके आया है शिवरात्रि का त्यौहार। हम मुबारकबाद देते हैं हमारी जो देश की सेना है बॉर्डर पर खड़ी है, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि उन पर भी मनोबल बना रहे, भगवान शंकर की कृपा रहे। और जितने भारत देश में हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, देश के राजा जो हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई है। हमारी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर तहसील मेंढर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जितने भी अवाम हम मिलजुल करके रहते हैं, हम प्यार मोहब्बत भाईचारे का त्यौहार होता है, शिवरात्रि का त्यौहार हो, ईद का त्यौहार हो, हम सब मिलजुल करके मनाते हैं। और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए पूरे भारतवर्ष को मुबारक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद। जैसा कि सनातनी अनुयायियों को यह पता है कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है हर साल पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ये जो कैलाश पर्वत है हमारा, ये तो शिव भोलेनाथ का स्थान है। और जम्मू कश्मीर खासकर देखें तो यहाँ ऋषि मुनियों की जो रही है, ये एक एक्सपेरिमेंट लेबॉरेटरी कह सकते हैं अध्यात्म के ऊपर। यहाँ बुड्ढा अमरनाथ देखिए, श्रीनगर के अंदर बाबा बर्फानी की बात करें हम, तो दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आज के दिन अगर देखा जाए तो यहाँ के जितने भी मंदिर हैं वहाँ शिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज जो शिव मंदिर अड़ी है, ये हर साल बड़ी धूमधाम से यहाँ शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है।
ये जो पर्व है ये 17 तारीख को हमने रामायण का अखंड पाठ शुरू किया था और दिन के समय में हमारी जो एक्टिविटीज़ रही यहाँ भोलेनाथ की, जो हमारे पास हल्दी रस्म है, वो बड़ी धूमधाम से मनाई गई। और आज जो 18 तारीख को है, जो यहाँ शिव मंदिर अड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा भंडारा किया गया जिसमें हज़ारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, प्रसाद ग्रहण किया, दिन भर हवन पूजा चलता रहा, आज रात को 4 पहर की पूजा भी चलेगी। तो ये जो पर्व है भोलेनाथ का, ये पूरे बड़े धूमधाम से ना केवल हमारे अड़ी मेंढर में अपितु पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सबके लिए ये महाशिवरात्रि का जो त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर स्टेट के अंदर मनाया जा रहा है। और हम भी यहाँ पर शिव मंदिर के अंदर जो बाबा झड़ाधारी का स्थान जो 400-500 साल के पहले है, वो यह त्यौहार मनाया जाए। बाबा जी की वहाँ पर गुफा है 25 फुट और पीपल का जो वृक्ष है वो 400 साल का दिखाई देता है, क्योंकि हमारी उम्र भी 70 साल हो गई है। हम ऐसे ही देखते हैं तो बाबा जी को देखते थे और बाबा जी के जटा जूट के ऊपर हमने देखा कि एक नाग बैठा हुआ है उनकी, यानी कि जटा के ऊपर। तो ऐसे लोगों को संदेश देते हैं कि बाबा जटाधारी के स्थान पर आए और यहाँ पर आशीर्वाद ग्रहण करें। और जितने भी जड़े लोग हैं उन सब को हम सबको मुबारकबाद देते हैं। जितने हमारे अड़ी के अंदर त्यौहार मनाया जा रहा है, हरनी के अंदर मनाया जा रहा है, मेंढर के अंदर मनाया जा रहा है, ये सब मिलजुल कर ये एकता का संबंध है। ये एकता के लिए महावीर जो महान जो भोलेनाथ हैं, ये हैं कर्पूर गौरम कर्णम अवतारम संसार सारम बुद्धगिंद्रहारम सदा बसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी साईतम नमामि। ये महादेव ये पूरे संसार के मालिक हैं, इसमें हर जीव उनका है और हर आदमी उनकी कृपा से ये संसार के अंदर चलता है। मेरे साथी, मेरे भाइयों और भक्तजनों, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, आज महाशिवरात्रि का त्यौहार हम सबको मुबारकबाद देते हैं। जितने भी हमारे इस देश के अंदर चाहे फोर्स है चाहे नेतागण है, उन सबको मुबारक देते हैं। हिंदू मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देते हैं।